देख हो रहा इलाज, बीमारों में ढूंढ रहे ओहदा और साथ, ओहदेदारों की बीमारी पहचानी गई, जनता की बीमारी हुई लाइलाज, मर्ज में भी भेदभाव। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मंत्री और पूर्व मंत्री बीमार हुए तो उनका इलाज इमरजेंसी में हुआ, लेकिन जहां बीमारी की संभावना अभी भी बनी है वहां तक जाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। सिविल लाइंस की गलियों में कायदा बदल गया। अब सवाल है कि क्या इलाज के आड़े ओहदा खड़ा हो गया है या मर्ज का इलाज पोजीशन देखकर हो रहा है। आज बिग बुलेटिन में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये बीमारी परिस्थिति जन्य होती है यार, सबके थोड़ी होती है। बीमारी का कब से ओहदा हो गया, रुतबे के आगे सरोकार का सौदा हो गया। गंभीर बीमारी और सिमटता इलाज, क्या ये दावों के मुंह पर तमाचा है या सत्ता पर भरोसा करना उनकी भूल थी। रायपुर और दिल्ली के दौरे से आए हैं, मैंने आज उनसे खुद से जानकारी प्राप्त की है, ताकि जहाँ भी दौरे पर वो थे उन वहाँ भी हम सूचित करें तो उन आसपास के घरों में भी स्क्रीनिंग हो जाए। राजस्थान की सरकार की हालत ये है कि बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ हमारे मित्र हैं, बहुत सीनियर आदमी है, जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं, यूनिवर्सिटी से निकल कर आए। मैं पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्वाइन फ्लू को बीजेपी और कांग्रेस में बांट कर नहीं देख सकते। आदरणीय गहलोत साहब को हो गया, कटारिया जी को हो गया, अब इसके बाद भी कुछ बाकी रह जाए क्या। स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मिलने पर आसपास के 50 मकानों में रहने वाले परिवारों की स्क्रीनिंग का कायदा है, लेकिन सिविल लाइंस में कानून ही बदल दिया गया। अरे कल कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी यहाँ पर जी? मेडिकल की कोई टीम आई थी क्या स्वास्थ्य विभाग की? नहीं आई। कल अशोक गहलोत का मकान था पीछे ही ना, और राजन राठौड़ जी का भी आपके जो सामने ही है। आगे वाला है मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बीमार हुए तो इमरजेंसी में इलाज हुआ, लेकिन इस आपात घड़ी में भी वो दरकिनार किए गए जिन्हें शायद इलाज और देखरेख की जरूरत थी। समाचार प्लस के सर्वे का कड़वा सच बस यही कहता है कि ओहदा है तो होगा इलाज, नहीं तो भूल जाओ सरकारी आस। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके जहन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि राजस्थान के लोग स्वाइन फ्लू को लेकर डरे सहमे हुए हैं। ऐसे में जिस रिपोर्ट को हमने आपको दिखाया, इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या आप भरोसा करेंगे कि वाकई राजस्थान का जो स्वास्थ्य महकमा है वो स्वाइन फ्लू को लेकर गंभीर है, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अपने मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी से ही करूंगा। अमिताभ जी, जो रिपोर्ट हमने दिखाई अपने दर्शकों को, वाकई सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिरकार राजस्थान की जनता किसके भरोसे जिए। देखिए, बहुत दुखद मामला है, और जिस ढंग का काम सरकारी विभाग ने किया है, उस महकमे ने किया है, हेल्थ विभाग ने, उसने सरकार की छवि पर भी ग्रहण लगाया। कल स्वास्थ्य मंत्री ने हम लोगों के सामने कहा था, राजेंद्र राठौड़ जी ने, कि जहां जहां स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया जाएगा उसके आसपास के 50 मकानों में हम सर्वे कराएंगे, स्क्रीनिंग कराएंगे, ताकि ये देखा जाए कि वो वायरस और ज्यादा कहीं अपने पंख तो नहीं फैला रहा। और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अशोक जी चूंकि रांची और दिल्ली से आए हैं, तो हमने रांची और दिल्ली में भी उन स्थानों को सूचित किया है कि आप भी जहां जहां अशोक जी रहे हो वहां वहां के 50 घरों में वैज्ञानिक ढंग से स्क्रीनिंग करा लीजिए। हम लोगों को लगा कि सरकार ये अच्छा काम कर रही है, ये तो वैज्ञानिक काम है, होना चाहिए, ताकि कम से कम बाकी लोग बचे। लेकिन आज जब हम रियलिटी चेक करने गए, अग्रवाल साहब यहां बैठे हैं, उसी पार्टी के नेता है, डॉक्टर भी हैं, तो अशोक जी, राजेंद्र राठौर जी, इनके मकानों के इर्द गिर्द जो गरीब लोगों के मकान थे उनके यहां कोई टीम नहीं। या तो आपके डॉक्टर्स ने, आपके वैज्ञानिकों ने, आपके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह मान लिया कि मसला सिर्फ अमीर का है, प्रभावशाली का है, गरीब को मान लो स्वाइन फ्लू से मरे या मलेरिया से मरे उससे क्या बहुत फर्क है, या तो यह मान लिया। और अगर यह नहीं माना तो गई क्यों नहीं।
ये नियम तो आपके मंत्री जी ने हमको समझाया था ना कल कि जिस घर में स्वाइन फ्लू का मरीज पाया जाएगा उसके इर्द गिर्द चारों तरफ की परिधि के 50 मकानों में एक ढंग की बाड़ेबंदी होगी कि भाई वहां वो वायरस परसिस्ट तो नहीं कर रहा। फिर ये गरीब कैसे छूट गए जिनका मकान ठीक इन प्रभावशाली लोगों के अगल बगल है। यही बात जब कल हमने ये विषय रखा था तो मैंने निवेदन किया था भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि ये जो विपदा आई है राजस्थान में मैं इसको पार्टी में बांटना नहीं चाहता, राजनीतिक रंग के विरोध में हूं विरुद्ध हूं, लेकिन इतना जरूर करिए कि सरकार हाई अलर्ट मोड में दिखे, बिना भेदभाव के गरीब अमीर सबकी सुरक्षा हो। और जो काम आपने 25 30 40 मौतों के बाद किया वो काम आपको पहली मौत हो जाने के बाद ही कर लेना चाहिए था। डॉक्टर्स की पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल हो सकती थी, सरकार फिफ्थ गियर में आ सकती थी स्वाइन फ्लू की दस्तक के बाद। उसके लिए आपने 50 मौतों का इंतजार किया, 50 लोग जब मर गए तो कल फिर डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल हुई, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल हुई। ये काम तो 4 दिन पहले होना चाहिए था, क्या इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? और आज ये जो रियलिटी चेक है समाचार प्रेस का, ये कम से कम एक उंगली उठाता है स्वास्थ्य विभाग के काम करने के तरीके पर कि बड़ों की चिंता और छोटे तो चाहे जिस बीमारी से मर जाएं क्या फर्क पड़ता है। चलिए तवर मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर एस एस अग्रवाल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, शारदा कांत जी हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि और डॉक्टर एस एस यादव साहब हैं अध्यक्ष हैं RMCTA। आप तीनों का स्वागत है। डॉक्टर एस एस अग्रवाल साहब, रिपोर्ट आपने देखी होगी, आखिरकार जयपुर का सिविल लाइन्स इलाका इससे महफूज और सुरक्षित राजस्थान में कोई इलाका नहीं होगा, और जयपुर सिविल लाइन्स के 50 घरों के अगर परिधि को देखें, अगर वहां पर मरीज छूट रहे हैं तो हम 12 झालावाड़ और झुंझुनू में क्या हो रहा होगा उसकी कल्पना कैसे करेंगे? अग्रवाल साहब। हाँ साहब बोलिए। ऐसा है धर्मराज जी, जी कि आप ये बात नहीं मानिए कि केवल सिविल लाइन्स ऐसा इलाका है जहां की पूरा का पूरा चाक चौबंद है। जब भी स्क्रीनिंग होती है, मरीज को देखा जाता है, मरीज का मालूम पड़ता है स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव आता है तो पूरे के पूरे एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अनुसार काम कर रहे थे। जब सिविल लाइंस के अंदर देखे तो सिविल लाइंस के भी व्यक्ति जो हैं वो बाहर जाते हैं, सब जगह जाना आना होता है तो वो कहीं से वो वायरस लेके भी आ सकते हैं और जब वो लेके भी जा सकते हैं। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उसके 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 पश्चात जब स्क्रीनिंग अगर वो लग जाती है तो सबसे पहला काम होता है कि उस एरिया के अंदर उस जगह के अंदर स्क्रीनिंग कर ले। केवल सिविल लाइंस का तो कल ही अपन को परसों ही मालूम पड़ा है, उसके पहले भी सारे मरीज आ रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग बाकायदा चल रही थी, बाकायदा वहां पर स्क्रीनिंग हो रही थी और स्क्रीनिंग होके अगर कोई जो उनके जो बिल्कुल नजदीक के लोग बाग होते थे जो उसके अंदर उनसे संदिग्ध होते थे उनको दवा वहां की वहां दिया जाता था जिससे कि ये रोग आगे के लिए नहीं फैले, चाहे टेस्ट हमने कराए नहीं कराए। आपकी बात आ गई अभी दोबारा आएंगे आपके पास। शारदा कांत जी, मेरा सवाल ये था ही नहीं कि ये वायरस कोई बाहर से लाया या सिविल लाइन्स में पैदा हुआ, ये तो मैंने पूछे नहीं। कल राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं, जहां पॉजिटिव पाया जाएगा स्वाइन फ्लू का परीक्षण में उस मकान के इर्द गिर्द रहने वाले 50 मकानों की स्क्रीनिंग होगी। ठीक, मैंने एक सिविल लाइन्स, चूंकि हाथी के पांव में सबका पांव, सिविल लाइन्स से ज्यादा बड़ा इलाका मुझे महत्वपूर्ण इलाका कोई दिखा नहीं, मैंने कहा यही की रियलिटी चेक करा लेता हूं। वहां भी संपन्न और प्रभावशाली घरों में तो ये लोग पहुंचे, जो गरीब रह रहा था आगे पीछे दाएं बाएं वह कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया इसी पर बहस है। ये स्वाइन फ्लू कहां से आया इस पर आज बहस नहीं कर रहा, 58 मर जाने के बाद इस पर बहस करूंगा क्या? शारदा जी, आप बिल्कुल सही, बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने उठाया है अमिताभ साहब। सरकार की खुमारी अभी तक उतरी नहीं है, सरकार नशे में है,
सरकार को ये पता ही नहीं है कि किस तरीके से चाक चौबंद होकर के आम जन को स्वास्थ्य सुविधा देनी चाहिए। अग्रवाल साहब तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के हिंदुस्तान के कभी जीत करके भी आए हैं अपने चैंबर को। एसएमएस का नेफ्रोलॉजी वार्ड, तीसरी मंजिल से दवा पानी गिरता है और नीचे दवाएं बिकती हैं। कितने चाक चौबंद हैं ये तो ये खुद देख सकते हैं। जयपुर शहर में कचरे की हालात ये है कि कचरा कैरिज का जो नियम बनाया हुआ था पिछली सरकार में कि कचरे के डंपर ढक करके जाएंगे, वो सरेआम उघाड़े जाते हैं और दोपहर 2 बजे बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब भरा ट्रैफिक, स्कूलों के बच्चे, लोग बाग, व्यापारी सब सड़क पर होते हैं। दोपहर 2 बजे तक तो कचरे की उठाई ही नहीं होती, उसके बाद होती है ढुलाई। ना ये किसी तरह से कच्ची बस्तियों में रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, जो सार्वजनिक शौचालय हैं वहां जाकर के अगर साफ सफाई का माकूल इंतजाम हो, चाक चौबंद हो, तो शायद ये समस्या इतनी व्यापक नहीं होती। अशोक गहलोत जी तो कई महीनों से कह रहे थे कि अरे भाई जाग जाओ, आज पता लगा कि गुलाब जी कटारिया भी ग्रसित हो गए। और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी तो एक नई बात कह रहे हैं, मैंने सुबह अखबार में पढ़ा था कि बाहर कहीं मध्य प्रदेश बिहार में कहीं कोई अशोक नाम के किसी व्यक्ति ने दिखाया था स्वाइन फ्लू, और कोई अशोक नाम का व्यक्ति था तो वो अशोक गहलोत जी थे। और मान लिया कि अशोक गहलोत जी भी थे तो गुलाब जी कटारिया कहां थे? क्या वसुंधरा जी के जब तक स्वाइन फ्लू नहीं होगा इनको चैन नहीं आएगा? वसुंधरा जी के तो स्वाइन फ्लू हो जाना चाहिए था, अब तक दिमागिक प्रशासनिक स्वाइन फ्लू हो जाना चाहिए था और चाक चौबंद कर देना चाहिए था, स्वास्थ्य महकमे को छुट्टियां हटा कर देनी चाहिए थी, अग्रवाल साहब अभी आएंगे आपके पास। एक मिनट रुकिए यादव साहब, मेरा आज का विषय, कल मैं इस विषय पर एक लंबी चर्चा कर चुका, आज का विषय बहुत सीमित है, विषय सिर्फ इतना सीमित, एक घर में स्वाइन फ्लू का मरीज पाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग जो भी कहिए उसके संज्ञान में आ गया, स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे जानकारी दी कि उसके इर्द गिर्द के 50 मकानों में स्क्रीनिंग करते हैं। मैंने एक रियलिटी चेक कराया अशोक गहलोत जी के मकान के पास का, उस रियलिटी चेक में यह बयान खारिज हो गया। सिर्फ इतने पर बहस करने आया हूं आज, क्यों ऐसा क्यों हुआ यादव साहब? देखिए मैं मेडिकल कॉलेज से संबंधित हूं जी, और जहां तक बात है कि सर्वे की ये जो काम है मेडिकल डायरेक्टरेट का है, तो ये जरूरी है कि जहां भी इस तरह का बीमारी हो जिसके फैलने के आसपास में बहुत ज्यादा संभावना रहती है, वहां पर सब लोगों का, आसपास के जिन लोग कांटेक्ट में आए उनका सर्वे होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि इनमें से कितने लोग पॉजिटिव हैं, जिनसे उनको हम आइसोलेट कर पाए, उनको टाइमली ट्रीटमेंट दे पाए जिससे कि बीमारी की फैलने की स्पीड को हम कम कर सके, उसे रोक पाए। तो ये तो जिस तरह का है उसके अंदर से होना यही चाहिए कि सब लोगों को, आसपास के जो लोग कांटेक्ट में आए उनसे हमको बीमारी को रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर सरकार ने एक बात कही, उस बात का जमीन पर पालन क्यों नहीं हुआ? और अगर सिविल लाइन्स में पालन नहीं हुआ तो फिर झुंझुनू और झालावाड़ में कौन देखने जा रहा है भाई, वहां क्या होगा? हाँ, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं, अगर ऐसी बात सच्चाई है, सच है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी या कमी रही है या कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है जिसके कारण से शायद ये नहीं हो पाया। यादव साहब मैं हैरान हूं, अभी भी कम्युनिकेशन गैप का स्कोप है क्या राजस्थान में? तो हद होगी फिर तो आप सब लोगों के ऊपर निछावर। अगर इतनी हाहाकार के, अगर इतने हाहाकार के बाद 60 लोगों के मरने के बाद अभी भी कम्युनिकेशन की समस्या आए प्रशासन में, शासन में, तब तो फिर बहस ही बेकार है। नहीं, ये तो हो सकता है कि इस तरह का हो कि भाई जो पेशेंट है जिसकी बीमारी हुई है उसके आसपास का सर्वे हो, उसके जो रिलेटेड लोग हैं उनका सर्वे हो, तो हो सकता है कि कुछ मकान छूट गए, अगर ये आप जो रिपोर्ट बता रहे हैं वो बात सही है तो। मैं यादव साहब, आप मेरी बात समझ नहीं पाए, समझ के जवाब नहीं देना पा रहे, आपकी हो सकता है कुछ विवशता हो। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था, गरीब का मकान क्यों छूट गया? अब मैं सीधे बात पूछ लूं, आप लोग शायद वही कल भी बात सुनना ही चाहते हैं। अग्रवाल साहब, गरीब का मकान क्यों छूट गया? मेरा मकान होता तो नहीं छूटता, मैं जानता हूं।
सबसे पहले सीएमओ मेरे घर आता और सब चेकिंग करके जाता, मुझे पता है। लेकिन इस ननकू का मकान क्यों छूट गया? स्क्रीन देखिए पहले उस मकान को देखिए। यह अशोक जी के घर के पिछवाड़े का मकान है, यहां गरीब रहता है इसलिए इसकी स्क्रीनिंग नहीं होगी। यह परनामी जी का मकान होता तो स्क्रीनिंग होती कि नहीं होती? सीधा जवाब दीजिए, होती है या नहीं होती? बोलिए जी, आपके लिए अग्रवाल साहब बोलिए। अग्रवाल साहब, मैं बात आपको बिल्कुल कि जिस आपको ये प्रश्न किससे पूछने चाहिए उससे पूछिए, हमको ये मालूम नहीं है, हम इसकी सच्चाई के ऊपर जा नहीं सकते हैं, हमको ये चीजें मालूम नहीं है। आप जो है ये आप बता के इसके अंदर जब इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन ये देख के नहीं होता है कि ये गुलाब चंद जी कटारिया के हो रहा है या अशोक जी गहलोत के हो रहा है। इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन गरीब के भी होता है और जो विशेष औहदों के ऊपर उसके ऊपर भी होता है। और जब स्क्रीनिंग होती है तो स्क्रीनिंग सभी जगह पर होती है। अगर इसके अंदर कोई छूटा है तो इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, हम यहाँ पर है नहीं, हमको उस चीज के बारे में हम आपको बता सकते हैं। अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपन ये अवश्य बताए कि जनता की इसके अंदर किस प्रकार से सरकार चाक चौबंद है और किस प्रकार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी बात आ गई, इनको यहाँ पर बैठ के आप सियासत नहीं करनी है, आपको बात आ गई, बैठ के दोस्त दुश्मन नहीं करने हैं। आपकी बात आ गई कि किस प्रकार चाक चौबंद है और किस प्रकार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी बात आ गई, इनको यहाँ पर बैठ के आप सियासत नहीं करनी है, आपको बात आ गई, बैठ के दोस्त दुश्मन नहीं करने हैं। आपकी बात आ गई कि किस प्रकार से सरकार ने काम कर रही है और किस प्रकार से आम आदमी काम करे, किस प्रकार से जन आदमी काम करे, किस प्रकार से हमारा इसके अंदर कर्तव्य बनता है कि हम जनता उनको केवल आगे बात आ देना। अग्रवाल साहब को म्यूट करिए, रुकिए म्यूट करिए। अग्रवाल साहब, आपको यहां मैंने बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया है, यानी सरकार की ओर से पार्टी की ओर से आप जवाब देंगे। वैज्ञानिक के तौर पर नहीं बुलाया, पहली बात। और दूसरी बात, ये मुझे पता है कि बीमारी गरीब अमीर नहीं देखता। मैंने कहा था गरीब अमीर को बीमारी में फर्क है? नहीं कहा ना, जो बात कही नहीं मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा अमीर के ट्रीटमेंट में और गरीब के ट्रीटमेंट में फर्क कर रहे हैं आप, मैंने नहीं कहा। बात पूरी सुनिए, हम नहीं कर रहे हैं, आप यहां बता रहे हैं। ये बताना आपको दिखाई नहीं दे रहा? शारदा गांधी प्रतिक्षण के प्रमाण वैसा ही होता है, व्यवस्था नहीं होता है PCR उसके अंदर किसी भी प्रकार से नहीं। जी शारदा गांधी, मुझे समझाइए, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं? नहीं दी जाती है। अग्रवाल साहब, इलाज के अंदर दवाई उतनी दी जाती है। अग्रवाल साहब, आप तो डॉक्टर हैं, हर आदमी से हाथ मिलाने के बाद में आप पोटेशियम परमैंगनेट से हाथ धो लेते हैं। अशोक गहलोत जी जन नेता हैं, 5-7 हजार आदमी रोज उनसे मिलते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं और हाथ मिलाते हैं उन लोगों से। गुलाब जी कटारिया भी जन नेता है, वो भी 1000-2000 लोगों से रोज मिलते होंगे, वो भी पीठ थपथपाते होंगे, हाथ मिलाते होंगे। ये बैक्टीरिया सड़कों पर फैला हुआ है, कच्ची बस्तियों में। आपको ये मालूम नहीं है शारदा गांधी? ऊपर जाइए, एक एक जानता है, एक एक दिन आवाज जमीन पे, एक एक रात का, एक एक रात का, एक एक रास्ता, एक एक रात का रास करेंगे, इस तरीके की गलत बात नहीं बताएंगे। बीच में ये जमीन पे अगर लग जाएंगे आप आते, ये बैक्टीरिया डॉक्टर SS अग्रवाल, डॉक्टर SS अग्रवाल ये क्यों होता है हमें ये नहीं जानना है। अरे डॉक्टर अग्रवाल साहब, शारदा जी एक मिनट, अगर जमीन से छूट अग्रवाल साहब सुन लीजिए, अरे पब्लिक मंत्री होना चाहिए, अरे अग्रवाल साहब एक मिनट, शारदा जी एक मिनट। डॉक्टर SS अग्रवाल, यहां हम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो बीजेपी के प्रतिनिधि के नाते पूछ रहे हैं, एक डॉक्टर के नाते नहीं पूछ रहे कि आप प्रिकॉशन बताइए कैसे बचा जाए, कैसे अगर हो जाए तो आपको बचाव करना चाहिए, ना हो उसके लिए कैसे बचाव करना चाहिए, हम नहीं पूछ रहे। पर सीधा हमारा सवाल है कि आखिरकार एक क्षेत्र में जब सर्वे हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है, तो कुछ घरों में हुआ, कुछ घरों में क्यों नहीं हुआ? यह सीधा सा सवाल है।
आप अगर हमको बताते कि इस घर में नहीं हुआ है तो हम ये देखते, लेकिन आप यहाँ पर आकर मेरे से पूछ रहे हैं, जहां पर अगर मान लो किसी ने वहां पर भेजा गया है और अगर उसने नहीं करा है तो उसके लिए पूरा का पूरा देखेंगे कि किस तरीके से क्यों नहीं गया, क्या बात है या इसके अंदर कितनी सच्चाई है। ये जवाब दीजिए ना, देखिए एक मिनट, सर्वे की जब व्यक्ति गए थे तो उस टाइम वो मार्केट में था या अपने और कार्य पे था और वहां उस घर के अंदर आके चले गए? एक घर में नहीं किया है, ठीक भाई, एक सेकंड रुकिए यादव जी, राजनेताओं के साथ दिक्कत है, वो समझ के भी ना समझ के वो होने का उनकी मजबूरी है रहना, उनको पार्टी में देखना है, ठीक है, उनकी मजबूरी मैं समझता हूँ। लगातार नहीं बोलिए अनुभव साहब, लगातार नहीं बोलिए, आप मेरी बहस में आते रहे ना, एक बहस का प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए। ये भाजपा के कार्यालय में एक लंबी जनसुनवाई रखिए, वहां बताइए लोगों को। यादव जी मैं सिर्फ इतनी, जो मैं मूल सवाल पर रहता हूं, मेरी शो का एक शैली है, मूल सवाल ये, सरकार ने कहा जहां पॉजिटिव पाया जाएगा 50 मकानों में स्क्रीनिंग होगी बिना भेदभाव के, जितने संपन्न प्रभावशाली लोगों के मकान थे सिविल लाइन में उनकी यहां स्क्रीनिंग हो गई, जितने गरीब के मकान थे स्क्रीनिंग नहीं हुई। ये सिर्फ इतनी सी बात है। वो स्वाइन फ्लू कैसे होता है, कहां उसका जन्म हुआ, क्या इलाज होगा, कौन सी गोली खाओ, ये मैं दिन भर चला रहा हूं 23 घंटे, 23.5 घंटे, आज आधे घंटे सिर्फ ये बहस करने आया हूं। वो गरीब है इसलिए उनके साथ भेदभाव हो जाएगा, और मैंने उदाहरण देके कहा अगर ये अशोक परनामी जी का घर होता स्क्रीनिंग छूट जाती क्या? नहीं, गरीब और अमीर के अंदर बीमारी के लिए इसके लिए सर्वे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस वही तो मैं इतनी देर से बहस कर रहा हूं। शारदा जी क्या ये किसी बड़े नेता का घर होता स्क्रीनिंग से छूट जाता क्या? नहीं छूटता साहब, इनके पास में डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए, एक पूरी टीम बना करके काम करना चाहिए जिसमें सेनेटरी वाले, नगर निगम वाले मिलकर के, हेल्थ डायरेक्टरेट के साथ मिलकर के, मुस्तैदी के साथ, जिस तरह से बाढ़ आ गई हो, तूफान आ गया हो, साइक्लोन आ गया हो, उस गतिविधि, उस ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। सरकार को ईमानदारी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष तो भेदभाव हो रहा है। और मैंने एक मकान का नहीं चलाया, आपने देखा नहीं, पार्टी से पूछिएगा उन्होंने देखा होगा, पार्टी ऑफिस ने मॉनिटर किया होगा, मैंने 50 मकान दिखाए और उन गरीब लोगों को कैमरे के सामने खड़ा किया कि भाई कोई आया पूछने तुमसे? बोले जी कोई नहीं आया। मैं कैसे मान लूं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संस्कृत में कहा गया प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या? और बीजेपी के लोग मुझसे कह रहे अगर ये बात सही होगी तो कैमरा दिखा रहा है, भाई कैमरा झूठ बोलता है क्या? कल को कोई कहे अगर एस एस अग्रवाल साहब आपके यहां बैठे होंगे तो मैं कहूंगा भाई साहब ये फोटो देखिए बैठे बोल रहे, इनकी आवाज पहचानी, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना। इस बात को मानने की बजाय कि हां ये सरकार के सिस्टम में कमजोरी है, ये तंत्र की कमजोरी है, इतने नाजुक वक्त में भी तंत्र उतना मुस्तैद नहीं जो होना चाहिए, सत्ताधारी पार्टी को बात यहां से शुरू करनी चाहिए थी। मैं हैरान हूं सत्ताधारी पार्टी आक्रामक है, ऐसा कौन सा झंडा फहरा दिया कि आप आक्रामक हो जाएं भाई? नहीं ना, अभी तो हालात काबू में भी नहीं आए राजस्थान में आपके, फिर किस बात का इतना दर्प है, इतना तेवर कि स्वाइन फ्लू को मुट्ठी में पकड़ के बंद कर दिया क्या आपने? अभी तो लोग मर रहे हैं ना, फिर ये तेवर किस लिए? जनता देख रही होगी तो क्या संदेश जाएगा कि ये तो पलटवार कर रहे हैं, जो चैनल ये दिखा रहा है कि भाई देखिए गरीब आदमी झूठ रहा है उसकी सुध लो, तो भाजपा के नेता उसको कहने की ये नहीं हो, ये तरीका ठीक नहीं लोकतंत्र में। गरीब लोग भी टीवी देखते हैं मित्र। डॉक्टर एस एस अग्रवाल साहब, पिछले 5-7 दिन से लगातार राजस्थान की सरकार, राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीरता की बात कर रहा है कि हम बहुत गंभीर है, लेकिन जो दफ्तरों में एसी दफ्तरों में मीटिंग्स होती है, समीक्षा बैठक होती है, जो इस तरीके की चीजें होती है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, दिशा निर्देशों का काम हो, दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं उसके अनुरूप काम हो रहा है नहीं, ये कौन मॉनिटर करेगा? अगर डॉक्टर इसी तरीके से काम करते रहे तो शायद स्वाइन फ्लू से तो और लोगों की मौत होगी, ये अंकुश पे इस पर कभी नहीं पाया जा सकेगा। अग्रवाल साहब देखिए साहब, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप जो कि मॉनिटरिंग लगातार हो रही है,
आप आपने जिस प्रकार से चिकित्सा, जिस प्रकार से पैरामेडिकल सारे के सारे इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं, अपन केवल एक ही तरफ नहीं जाएं, अपन ये देखें कि पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा पूरा का पूरा संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने उनके निर्देशन के अंदर उन्होंने स्वयं ने मीटिंग ली, उसके बाद में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने पूरी की पूरी मीटिंग ली, रोज उसकी मॉनिटरिंग। क्या फायदा, कोटा के डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं आपके स्वास्थ्य मंत्री से, कौन पकड़ेगा जाकर डॉक्टर को? आप कितना बड़ा महकमा है ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है। आपको बात कह दी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, एक लड़कवा सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजेंद्र राठौर मीटिंग ले रहे थे, कोटा के डॉक्टर्स ने बताया कि हमारे पास 100 किट है, जबकि किट वहां पर एक था। ये सच्चाई है, पता कर लीजिएगा आप, बताइए कैसे कंट्रोल होगा ऐसी स्थिति में। मैं ये कह रहा हूं कि जब 100 किट उन्होंने बताए हैं तो 100 किट होंगे ना, नहीं थे? अगर आप नहीं थे, नहीं थे, पता कर लीजिए अग्रवाल साहब, ये अपने स्तर पर पता कर लीजिए। अब हम भी यही काम कर रहे हैं अग्रवाल साहब, अपने स्तर पर पता कर लीजिए। शारदा जी ठीक है, ठीक है शारदा जी, ऐसे स्टैंड में नहीं, नहीं अग्रवाल साहब वक्त हमारा खत्म हो रहा है, अग्रवाल साहब वक्त खत्म हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अरे ठीक है अग्रवाल, हम साथ में शारदा जी संक्षेप में एकदम छोटा जवाब, क्या इस धरने पर काम करके कंट्रोल में आ जाएगा स्वाइन फ्लू? नहीं आएगा। मेरा तो छोटा सा जवाब है कि अगर ये अशोक गहलोत जी इसके स्वाइन फ्लू नहीं होता तो शायद राजस्थान की आम आवाम चेतती नहीं, सरकार की कानों पर जूनी रेंगती। कम से कम इस बहाने राजस्थान के आम आवाम को सुरक्षा मिलेगी स्वास्थ्य की, क्योंकि अशोक गहलोत जी का सपना राजस्थान के आम आवाम को। चलिए ठीक है, वक्त हमारा शारदा जी खत्म हो गया, अमिताभ जी नहीं सर, अग्रवाल साहब वक्त खत्म हो गया, अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। अग्रवाल साहब से मैं एक ही निवेदन करूंगा, अग्रवाल साहब बात आ गई आपकी, अब नहीं, अग्रवाल साहब तो एक ही निवेदन करूंगा कि अग्रवाल साहब इन बाबुओं की, इन कंपाउंडरों की तरफदारी मत करने खड़े होइए, व्यवस्था लचर है उसको मान लीजिए। और मैं बड़ा हैरान होता हूं जब मैं सुनता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बोलते शारदा जी अब नहीं, अग्रवाल साहब, भाई अग्रवाल साहब को कुछ बीपी की प्रॉब्लम है क्या? कुछ बीपी की प्रॉब्लम है क्या? शारदा जी, शारदा जी हम कब कह रहे हैं कि उनके बाहर भी कह रहे हैं कि उनके जनता की सुनो, जनता शारदा कांत जी के बारे में, शारदा कांत जी आप दोनों लोग मेरे बहस का फॉर्मेट जानते हैं, फिर भी बहस क्यों अपने अपने पार्टी दफ्तर में कर लीजिए या थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, जनता देख रही है। इतना उत्साह वहां सरकार में दिखाए होते तो धन्य हो जाता राजस्थान अग्रवाल साहब, जितना यह टीवी स्टूडियो में दिखा रहे हैं आप। मैं हैरान होता हूं जब मैं सुनता हूं सत्ता, अग्रवाल साहब बार बार मत इंटरप्ट करिए प्लीज, अग्रवाल साहब बार बार नहीं प्लीज नहीं। मैं हैरान हो जाता हूं जब मैं सुनता हूं सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नेता आता है और मालूम है यादव साहब अपनी उपलब्धि क्या बताता है, मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली, फला मंत्री ने मीटिंग ली, मीटिंग लेना ऐसा लगता है कि संजीवनी बूटी का पहाड़ हाथ पे उठा लिया, मीटिंग ली धरती हिल गई, आसमान प्रकंपित हो गया, पाताल हिलोरें लेने लगा, भूतों ने भविष्य दी, कितना बड़ा काम कर दिया। अरे मीटिंग ली उन्होंने भाई, अमिताभ जी आप कैसी बात कर रहे हो, मीटिंग ले ली ऐसा लगता है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य ने काहुई व्यापा, तीनों ताप मिट गए दैहिक दैविक भौतिक सब, मीटिंग ली नहीं, लगता है 1952 से आज तक किसी ने मीटिंग ही नहीं ली। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा काम कर दिया, थक गए होंगे भाई, सेवा करो भाई इनकी सबकी, मीटिंग ले ली बताइए। ये मूर्ख जनता, गरीब जनता, कीड़े मकोड़े सी जनता राजस्थान की बार मीटिंग से ज्यादा मांग रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई जो मीटिंग से ज्यादा कुछ मांग रही है? हमने मीटिंग कर ली कम बड़ी बात है, मीटिंग कर ली और क्या करें, ये धर्मराज पागल हो गए, अमिताभ जी सिरफिरे हैं, मीटिंग के बाद भी बहस कर रहे, बता दो दिया मीटिंग कर लीजिए,
और खुद ने मीटिंग कर ली, हमने सोचो कितनी बड़ी बात, हमने हद हो गई भाई। ये बात तो गांधी ने नहीं कही, कभी कही, जवाहरलाल ने नहीं कही, जयप्रकाश जी ने नहीं कही, लोहिया जी ने नहीं कही, ये कितने बड़े नेता हो गए सब लोग। मीटिंग ले ली, जिस भक्त को देखिए वो यही चिल्ला रहा, मीटिंग ले ली। अरे मीटिंग के लिए रखा है भाई, और किस लिए चुनाव हुआ, किस लिए सरकार बनी, कोई सरकार में हो, गहलोत जी की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, मीटिंग के लिए है ना। और आप मनरेगा में तो काम करते नहीं हो, क्या करोगे मुझे बताओ, मीटिंग भी नहीं लोगे तो क्या करोगे ये समझा दो, क्या मनरेगा में काम करोगे, तो चलिए वही कर लीजिए फिर, मीटिंग के अलावा और क्या कर रहे हैं। मैंने कल एक सुझाव दिया था यादव जी, मैंने कहा था जो बात अभी हमारे एंकर ने उठाई ना, ये झूठ सच का खेल जो मशीनरी खेलती है ना, मुझे इसका अंदाज है। मैंने कहा था, कल सुमन शर्मा मेरे साथ थी, मैंने उनसे कहा था कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन करिए मेरी ओर से, एक नंबर 10 दिन के लिए वो ले ले मोबाइल और उसको पब्लिक कर दें, सिर्फ इतना कर दें, सारी मॉनिटरिंग हो जाएगी। 10 दिन की तो तकलीफ होगी लेकिन फिर राजस्थान भर में गड़बड़ नहीं कर पाएगा कोई आदमी, ये जान लीजिए। 10 दिन फोन उठा ले, मीटिंग चीटिंग छोड़ो, इतना ही कर लो, एक नंबर माननीय मुख्यमंत्री खोल दें अपना, जो उनके हाथ में फोन रहे, झुंझुनू झालावाड़ से लेके गंगानगर से लेके और जयपुर तक का हर आदमी गरीब अमीर उनको संपर्क करके बता पाए कि आपका डॉक्टर झूठ बोल रहा है, आपका मेडिकल सुपरिंटेंडेंट झूठा है, यहां दवाई ब्लैक में बेची जा रही है, यहां जांच नहीं हो रही है, ये सारे बीच के बैरियर हट जाएंगे अपने आप। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सचिव और डीजी हेल्थ और पीजी हेल्थ सब हट जाएंगे, एक बार मुख्यमंत्री और जनता के बीच में एक पुल बना दीजिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए बना दीजिए। मेरा सुझाव गलत था क्या लोकतंत्र में? मुझे नहीं लगता गलत था, आपात स्थितियों में नायक को आगे आना चाहिए, नायक को आगे खड़ा होना चाहिए। लोकतंत्र में कौन है चेहरा? राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री, उसको खड़ा होना चाहिए। ऐसे अग्रवाल साहब से क्या बनेगी बात? नहीं बनेगी ना, इनसे बात नहीं बनेगी, इनकी बात थोड़ी सीएमओ सुन रहा है भाई। जब वो राजेंद्र राठौर जी को गोली दिए दे रहा है, इनको क्या सुनेगा? उसके लिए सबसे बड़ा चेहरा सामने होना चाहिए। एक प्रयोग करके देख लेते, मैं मान लेता कि बहुत बढ़िया काम हो गया और जनता को भी लगता कि हमारी सबसे बड़ी नेता हमारी बात तो सुन रही है, गुड़ न दे गुड़ जैसी बात तो सुनी, यह व्यवस्थाएं दूर हो जाती। फिर यह नहीं होता कि बड़े लोगों के घर का मुआयना हो गया अग्रवाल साहब और ननकू छोटू शेख और अब्दुल और रज्जाक के घर छूट गए। मैं बात थोड़ी कड़वी कहता हूं, ये जयपुर के किसी बड़े सेठिया का घर होता, बिल्डर का घर होता, सर्राफे वाले का घर होता तो नहीं छूटता, अधिकारी और नेता का होता तो नहीं छूटता, ये गरीब लोगों के घर है, इसलिए इनकी स्क्रीनिंग की जरूरत ही नहीं समझी आपके हेल्थ महकमे ने, जबकि नियमता होना चाहिए था, क्योंकि उसी परिवरी में उसी परिधि में स्वाइन फ्लू पाया गया था। आपने किस तंत्र ने जरूरत नहीं समझी, वैसा काम करिए, अन्यथा प्रवक्ताओं के बोलने से बात बनती नहीं। हर पार्टी के पास प्रवक्ता है, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, जनता भरोसा नहीं करती। ऐसा काम करिए आपके स्वास्थ्य मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, उनसे लोग फरियाद कर सके, ऐसी व्यवस्था खोलिए, निर्णायक कार्रवाई हो, तत्काल निर्णय हो और तत्काल निर्णय जमीन पर दिखे क्रियान्वित होता हुआ, ऐसी व्यवस्था करिए। यह आपातकाल है, यह विपत्ति का समय है राजस्थान पर, यह राजनीतिक भेदभाव का समय नहीं, सबसे बड़े चेहरे को सबसे आगे खड़ा होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही। डॉक्टर एस एस अग्रवाल बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़े थे, शारदा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर एस एस यादव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।